नमस्कार। आज का टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो भारत की पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसमें कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई और तीन बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं बनाई गई, भांखड़ा नागल, हीराकुंड और दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, यह मालनोबिस मॉडल पर आधारित है। औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। इसमें औद्योगिक विकास के लिए तीन औद्योगिक की स्थापना की गई, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। जो पंचवर्षीय योजना है वो 5-5 वर्ष की है, लेकिन ये एक वित्तीय वर्ष के हिसाब से चालू होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसलिए जो काउंटिंग में है तो 6 साल आएंगे। जैसे देखो 1951 से 56, 51, 52, 53, 54, 56 से 61, क्योंकि 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च तक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, सर्वाधिक बल कृषि पर। यह किस मॉडल पर आधारित थी? गॉडविल मॉडल पर। हरित क्रांति की शुरुआत हुई इस टाइम, और 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और 1966 में सूखा पड़ा। इसलिए इस पंचवर्षीय योजना की जो वृद्धि दर है वो सबसे कम रही, ये असफल योजना ही रही। बाद में योजना अवकाश, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रहने के कारण योजना अवकाश यानी तीन एक एक साल की योजनाएं बनाई गई। उस टाइम को क्या कहते हैं, उस 3 सालों की अवधि को योजना अवकाश कहते हैं, जो है 1966 से 1969 तक। तीन वार्षिक योजनाएं, तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण ये तीनों योजनाएं बनाई गई। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। इस योजना का प्रारूप भी गाडगिल योजना प्रारूप रहा। तीसरी और चौथी दोनों पंचवर्षीय योजना का गाडगिल योजना प्रारूप रहा। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, ये इसका मेन उद्देश्य रहा। इस टाइम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1969 में, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में और इसरो की स्थापना हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, ये देखो 1974 से 1978 पांच साल की है, यानी इस योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया। जो कांग्रेस की सरकार थी वो गिर गई और बीजेपी जनता पार्टी की सरकार है, इस कारण इस योजना को 1 साल पहले खत्म कर दिया गया। इस योजना का मेन जो प्रमुख उद्देश्य था वो है गरीबी उन्मूलन, और मेन ध्यान रखना है गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। योजना समय से पहले समाप्त की गई, ये आपको बताई दिया क्यों समाप्त की गई। बाद में योजना अवकाश, इस टाइम क्या हुआ कि पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी ने खत्म कर दिया और अपनी एक नई योजना बनाई 1978 से 1983 तक की। लेकिन फिर जनता पार्टी वापस गिर गई, तो कांग्रेस ने किया कि इनकी जो 5 वर्ष की योजना थी उनको समाप्त कर दिया और वापस से अपनी पंचवर्षीय योजना ले आई। तो ये 2 साल इनकी योजना रही, उसको भी योजना अवकाश कहते हैं, रोलिंग प्लान भी कहते हैं। योजना अवकाश द्वितीय 1978 से 1980 तक, रोलिंग प्लान नाम दिया गया इसको। मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार आई थी कांग्रेस सरकार गिरने के बाद, इसने ये 2 साल की योजना बनाई और इसको गुणाल मेडल की अवधारणा पर बनाया गया। अभी तक पांचों योजनाओं का जो मॉडल है उसको ध्यान रखो, पहली में हेराल्ड मॉडल है, दूसरे में मालनोबिस मॉडल है, तीसरी में गाडगिल और चौथी में गाडगिल, और पांचवी पंचवर्षीय योजना वह गुणाल मेडल पर आधारित। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चलाई गई इस टाइम में, और नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड जो ग्रामीण ऋण की सर्वाधिक ऊंची संस्था है नाबार्ड। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बल दिया गया, भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। बाद में योजनाओं का तृतीय योजनाओं का सामने का क्या कारण था कि भारत में जो भारत की आर्थिक स्थिति है वह बहुत ज्यादा डाउन चली गई, इसलिए योजना बनाने के लिए भारत के पास पर्याप्त धन या पर्याप्त पैसा नहीं था। योजनाओं का स्तर 1990 से 1992 भारत में गहरा आर्थिक संकट होने के कारण। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो आर्थिक संकट के टाइम ये पूछा जाता है आर्थिक संकट, तो मेन आर्थिक संकट है 1991 में, इसके ऊपर आर्थिक सुधार शुरू हो गए और उस टाइम में गृह जो वित्त मंत्री थे वो तो थे मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री थे राव, नरसिम्हा राव।
नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, तो यह मिल्लर मॉडल पर आधारित थी। इस टाइम में आर्थिक सुधार किए गए, आर्थिक सुधार के फलस्वरूप क्या किया गया, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। मेन एक ध्यान रखना है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मेन लक्ष्य था मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट किस पंचवर्षीय योजना में था, आठवीं में। नवीं पंचवर्षीय योजना मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता, यानी मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण और समानता, ये था नवीं योजना का मेन लक्ष्य। दसवीं योजना का मेन उद्देश्य था गरीबी को समाप्त करना और प्रति व्यक्ति आय को डबल करना। एक तो गरीबी बेरोजगारी इन दोनों को समाप्त करना और जो प्रति व्यक्ति आई है उसको डबल करना, ये दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना थी तीव्रतम एवं समावेशी विकास, सर्वाधिक उच्चतम विकास दर प्राप्त करना। बारहवीं योजना का मेन लक्ष्य था तेजी से अधिक समावेशी और सतत विकास। अब बात करते हैं कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग का संविधान में कुछ नहीं लिखा है कि योजना आयोग होगा, इसलिए यह एक संवैधानिकेतर निकाय है, संवैधानिक नहीं है, संवैधानिकेतर निकाय है, सलाहकारी निकाय है, सरकारी निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग। नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग का एक तो पूरा नाम का प्रश्न आ गया, दो बार प्रश्न आ गया नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की और ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। स्थापना 1 जनवरी 2015 को और पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग और योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है, ये पद जो ही प्रधानमंत्री होगा वो इनका अध्यक्ष होगा। बाद में है कि जो योजनाएं बनाई गई इसमें एक तो लक्षित विकास दर होती है कि इस योजना में इतनी विकास दर प्राप्त करनी है, और एक होती है वास्तव में प्राप्त कितनी हुई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वह योजनाएं जिनमें लक्ष्य से ज्यादा वास्तविक विकास दर प्राप्त हुई, यानी लक्ष्य तो कम था और वास्तविक रूप से ज्यादा प्राप्त हुई, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, पहली और बाद में चार योजनाएं लगातार, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, यानी वास्तविक विकास दर लक्ष्य से ज्यादा इनमें प्राप्त हुई, पहली, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में। और प्राय ज्यादातर क्या होता है कि लक्ष्य तो ज्यादा लेते हैं और प्राप्त वास्तव में कम होते हैं, लेकिन इन पांच योजनाओं में वास्तविक वृद्धि दर ज्यादा प्राप्त हुई। सबसे कम विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई, सबसे कम विकास दर है तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई, क्योंकि उस टाइम दो तो युद्ध हो गए थे, भारत पाक और भारत चीन, और एक सूखा पड़ गया था, इसलिए ये योजना विफल रही थी। सबसे कम विकास दर प्राप्त हुई थी कौन सी योजना में, तृतीय योजना में विकास दर 2.8 ही प्राप्त हुई थी और लक्ष्य था 5.6 का, सबसे कम विकास दर प्राप्त, 50% ही प्राप्त हुई। सबसे कम विकास दर का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया, जैसे योजना बनी थी ना उस टाइम में जो विकास दर का लक्ष्य है वो धीरे धीरे हर योजना में बढ़ाया गया, तो सर्वप्रथम योजना बनी थी उसमें सबसे कम विकास दर का लक्ष्य था, उसमें विकास दर का लक्ष्य था 2.1 और प्राप्त हुआ था 3.6, यानी लक्ष्य से ज्यादा प्राप्ति हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। सबसे ज्यादा विकास दर प्राप्त किस योजना में हुआ, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.9, इससे ज्यादा विकास दर प्राप्त किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ। इसमें लक्ष्य तो इसमें भी 9% था, प्राप्ति 7.9%, यानी सबसे ज्यादा विकास दर प्राप्त होने के बाद भी लक्ष्य से कम ही प्राप्त हुई। तो ये थी पंचवर्षीय योजनाएं, इनमें हमने जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है उनको कवर करने की पूरी कोशिश की। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना।